लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन। तो किस तरीके से न्यूरॉन जो हैं वो क्या करते हैं, हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, किस तरीके से वो एक्सपायरेशन करते हैं या इंस्पायरेशन करते हैं, तो वो आज हम कंप्लीट करेंगे। ये हमारा इस यूनिट का लास्ट सब यूनिट है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि अब जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का क्या हम क्या है कि एडजस्ट करना किसको, एल्वियुलर वेंटिलेशन को। और यही क्या करता है कि जितनी भी बॉडी की डिमांड है कार्बन डाइऑक्साइड को लेके, ऑक्सीजन को लेके, उसकी पार्शियल प्रेशर को लेके, या दोनों के पार्शियल प्रेशर को लेके, तो वो यही जो नर्वस सिस्टम है यही क्या करता है, कंट्रोल करता है। जब हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जब हमें रिस्पायरेटरी स्ट्रेस वगैरह होता है, तो उस वक़्त ये क्या करता है कि एडजस्टमेंट करता है किसकी, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की। तो जब हम हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी बॉडी को क्या चाहिए, ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, ठीक। तो उस समय ये जो मतलब न्यूरॉन हैं तो उनकी जो रेगुलेशन होती है उस टाइम ये ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं कि हमारे जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है या किसी भी एनिमल का रिस्पायरेटरी सिस्टम है, तो उसको क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। देन उसके बाद अब क्या क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वॉलेंट्री रेगुलेशन क्या होती है, तो इनवॉलेंट्री रेगुलेशन क्या होती है। तो जब भी इनवॉलेंट्री का नाम आए तो याद रखना सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जितनी भी हमारी वॉलेंट्री होती हैं एक्टिविटीज़, मैं आगे बताऊंगा वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं। तो अब ये जो वॉलेंट्री रेगुलेशन है या एक्टिविटीज़ है, ये कौन परफॉर्म करता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, क्योंकि सेरिब्रल कॉर्टेक्स किसका पार्ट है, ब्रेन का पार्ट है। देन उसके बाद इनवॉलेंट्री रेगुलेशन की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास न्यूरल रेगुलेशन आ जाएगा एंड देन केमिकल रेगुलेशन आ जाएगा, ठीक। तो आज हमने सिर्फ इन दोनों को ही डिस्कस करना है। मैं इसके बारे में भी थोड़ा आपको बताऊंगा कि वॉलेंट्री रेगुलेशन किस तरीके से होती है और किसको कहते हैं, ठीक। देन उसके बाद ये डायग्राम आप देख सकते हो, डायग्राम आगे अच्छे से बताई हुई है, मैंने इधर भी बता दी है, तो आगे मैं खुद से डिफ़ाइन कर दूंगा किस तरीके से मतलब होती है। तो अब एडवांटेजेस ऑफ वॉलेंटियर कंट्रोल क्या क्या एडवांटेजेस हैं वॉलेंटियर कंट्रोल के, वॉलेंटियर कंट्रोल जो हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं। तो जो भी फैसिलिटी मतलब जो एक्टिविटीज़ या फैसिलिटेट होती हैं, जैसे टॉकिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, लॉफिंग हो गया, ब्रीथिंग होल्डिंग हो गया, हाइपर वेंटिलेशन हो गया, डीप ब्रेथ जिसको बोलते हैं हम, तो वो सारी की क्यों, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, वॉलेंटियर एक्टिविटीज़ हैं जो हम क्या करते हैं, खुद कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस ये हैं, मतलब वॉलेंटियर जो कंट्रोल है, वॉलेंटियर रेगुलेशन है, तो इसके उसके एडवांटेजेस ये वाले हैं। देन उसके बाद एडवांटेजेस और भी, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जब हम स्लीप कर रहे होते हैं तो हम आराम से क्या करते हैं कि ब्रीथिंग वगैरह करते हैं, ब्रीथिंग हम स्लीपिंग के दौरान भी करते हैं। इनवॉलेंटियर का एडवांटेज यही है कि हम जब भी क्या करते हैं कि स्लीपिंग वगैरह में सोते हैं तो तब भी हम क्या करते हैं कि सांस वगैरह लेते रहते हैं। अब इसको इसको देखना, जो ऊपर वाली डायग्राम बताई थी मैंने, तो इसको मतलब इस यहाँ पे हम समझने की उसको कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन से मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके आता है उसको हम बोलते हैं इफेक्टर न्यूरॉन। जो इफेक्टर मसल पे क्या करता है, इफेक्ट करता है। अब वही जो मसल होगा वो कुछ इन्फॉर्मेशन बैक भेजेगा, फीडबैक भेजेगा कि भाई ये प्रोसेस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो गया। तो उसके पास क्या होती हैं, रिसेप्टर वगैरह होती हैं। अब यही जो रिसेप्टर होते हैं इनको कौन क्या सेंस करता है, सेंसरी न्यूरॉन करते हैं इनको, क्या करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन। तो इधर से आएगी
आउटपुट, तो यहाँ से क्या जाएगी, इनपुट जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो सोचेगा कि भाई ये एक्टिविटीज़ हो रही है, ये मैंने करना है आगे काम, ये वाला करना है आगे काम, ये वाला करना है। तो इस किस्म से मतलब क्या होती है कि जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है। तो जब हम इसकी बात करेंगे पोन्स की, मेड्यूला की एंड अदर पार्ट ऑफ ब्रेन की, तो हम मेड्यूला और पोन्स को क्या कहेंगे, ये है हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सेंटर, जो रिस्पायरेटरी एक्टिविटीज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, मेड्यूला और ओबलिन, और मेड्यूला और पोन्स ये कहाँ पे होते हैं, स्टेम में होते हैं, ब्रेन स्टेम में होते हैं। तो ये क्या कंट्रोल करते हैं कि ये क्या करते हैं, कंट्रोल रिस्पायरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। आगे इनके पास न्यूरॉन होंगे, वेंट्रल न्यूरॉनल ग्रुप होगा, उसके बाद डॉर्सल न्यूरॉनल ग्रुप होगा, तो जो क्या करते हैं कि अल्टरनेटली कंट्रोल करते हैं, तो हम उसको भी देखेंगे। देन उसके बाद, अब ये जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है ये ही क्यों कंट्रोल करता है हमारी रिस्पायरेटरी सिस्टम को, ये जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है मीन्स कि जो पोन्स एंड मेड्यूला हैं यही क्यों कंट्रोल करते हैं हमारी रिस्पायरेटरी सिस्टम को। तो याद रखना कि जब भी हमारी मतलब रिस्पायरेटरी रिदम है, मान लो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ एक्टिविटीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी सांसें भी चल रही हैं, तो इट मीन्स ये क्या करता है कि एक रिदम को मेंटेन रखता है, रिदम को जनरेट करके रखता है। दूसरा ये क्या करता है कि कंट्रोल और रेट ऑफ डेप्थ रिस्पायरेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जब हम डीप सांस लेंगे तो कुछ लिमिट तक लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे, तो वही जो एक्टिविटीज़ हैं वो ये कंट्रोल करता है, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम कंट्रोल करता है या रिस्पायरेटरी सेंटर कंट्रोल करता है। तो आगे और जानेंगे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है। तो जब हम, मैं रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करूंगा तो मैं करूंगा पोन्स एंड मेड्यूला की, मींस ब्रेन स्टेम की। तो कुछ ग्रुप्स में क्या होते हैं कि न्यूरॉन होते हैं जो लोकेटेड कहाँ होते हैं, बाइलेटरली लोकेटेड होते हैं, मेड्यूला एंड पोन्स। तो मैंने बताया कि ब्रेन स्टेम मीन्स ये क्या होते हैं कि बाइलेटरली प्रेजेंट होते हैं ब्रेन स्टेम के। अब यही जो ग्रुप होते हैं ये क्या कंट्रोल करते हैं, इंस्पायरेशन को कंट्रोल करेंगे और एक्सपायरेशन को कंट्रोल करेंगे। अब एक्सपायरेशन वाले अलग हैं, इंस्पायरेशन वाले अलग हैं, और कुछ जो हैं वो दोनों के दोनों कंट्रोल करते हैं, मतलब रिस्पायरेशन भी कंट्रोल करते हैं, एक्सपायरेशन भी कंट्रोल करते हैं, तो वो देखेंगे हम। तो सबसे पहले डॉर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप, या जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे DRG, ये आगे भी मतलब आएगा आपको, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है। तो वेंट्रल ग्रुप को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा VRG, वेंट्रल ग्रुप रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी ग्रुप। ठीक, अब जब हम डॉर्सल की बात करेंगे तो डॉर्सल क्या कंट्रोल करता है, मेनली इंस्पायरेशन को कंट्रोल करता है, याद रखना इंस्पायरेशन को कंट्रोल करता है डॉर्सल वाला, DN याद रखना, DI याद रखना। ठीक, अब ये जो वेंट्रल वाला है, वेंट्रल वाला क्या करता है, दोनों के दोनों को कंट्रोल करता है, इंस्पायरेशन को भी कंट्रोल करता है, एक्सपायरेशन को भी कंट्रोल करता है। देन उसके बाद निमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है कि ये क्या करता है, एक ट्रांजिशन होता है जब हम डीप क्या लेते हैं, ब्रीथिंग लेते हैं, तो उसके बाद जब हम डीप ब्रीथिंग के बाद वो नॉर्मली कंट्रोल हो जाती है, तो उस समय जो ट्रांजिशन आता है हमारे मतलब रिस्पायरेटरी सिस्टम में, रिस्पायरेशन में, तो उसको कंट्रोल कौन करता है, निमोटैक्सिक सेंटर करता है। देन उसके बाद अपोनेस्टिक सेंटर क्या करता है कि प्रोलोंग जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो एक जो है वो डेप्थ ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, मींस ट्रांजिशन स्टेट को करता है, और दूसरा जो है ये लास्ट जो है ये क्या किसको कंट्रोल करता है, प्रोलोंग इंस्पायरेशन को कंट्रोल करता है। देन उसके बाद ये डायग्राम है, आप इस डायग्राम में देखिए, जस्ट वेट, ये डायग्राम है। तो जैसे डायग्राम में ये है रिस्पायरेटरी सिस्टम, निमोटैक्सिक सेंटर ये रेड वाला, तो उसके बाद अपोनेस्टिक सेंटर ये वाला, उसके बाद वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप जो क्या कंट्रोल करता है, इंस्पायरेशन को कंट्रोल करता है एज वेल एज एक्सपायरेशन को कंट्रोल करता है। ठीक, ये आ गया फोर्थ वेंट्रिकल, इसको लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते। देन उसके बाद अब ये आ गया डॉर्सल ग्रुप जो क्या कंट्रोल करता है, इंस्पायरेशन को कंट्रोल करता है, इंस्पायरेशन को कंट्रोल करता है। और ये आ गई वैगस और ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व, ये जो वैगस और गैसोफ्रेंजियल नर्व है ये कहाँ से निकलती हैं, ब्रेन स्टेम से निकलती है, मीन सेरी
बेलम से निकलती हैं, ब्रेन स्टेम से निकलती हैं, और यही क्या कंट्रोल करती हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करती हैं। मींस जो एक्टिविटीज़ होती है एक्सटर्नल कोस्टल मसल की, इंटरनल कोस्टल मसल की जो हमारे लंग्स में हैं, तो उनकी एक्टिविटीज़ को ये क्या करती है, कंट्रोल करती है। देन उसके बाद डार्सल की कुछ और बात करेंगे हम, डार्सल की कुछ और बात करेंगे। तो डार्सल ग्रुप, जैसे मैंने बहुत बताया आपको कि DRG शॉर्ट फॉर्म में है, तो ये क्या करता है कि फंडामेंटल रोल प्ले करता है किसमें, रिस्पायरेशन में। लोकेटेड कहाँ होगा, डॉर्सल पोर्शन ऑफ मेड्यूला पे। और मोस्टली जो मोस्टली जो न्यूरॉन लोकेटेड होंगे वो कहाँ पे होंगे, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैकस एक मिनट ट्रैकस सॉलिट्रस में इसके जो न्यूरॉन हो वो मोस्टली क्या होंगे, वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, लोकेटेड होंगे। देन उसके बाद न्यूक्लियस ऑफ ट्रैकस सॉलिट्रस क्या है कि सेंसरी टर्मिनेशन है इसकी, मतलब सेंसरी टर्मिनेशन है मतलब सेंस कर लेते हैं कीमोरिसेप्टर से जो भी मतलब इंफॉर्मेशन वगैरह इम्पल्स वगैरह, उसको क्या कर लेते हैं, सेंस कर लेते हैं। यहाँ पे बोथ वैगस नर्व भी होगी और ग्लासोफेंजियल नर्व भी होगी जो रेस्पायरेटरी मतलब इन्फॉर्मेशन को कहाँ तक लेके जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रख लेना, भूलना नहीं है। तो ये मैं बता देता हूँ, डार्सल नर्वस ग्रुप में ये न्यूमोटैक्सिक, और ये वाला हो गया हमारा डार्सल ग्रुप, एक मिनट, ये वाला आप ये देख सकते हो, ये वाला जो मैं रेड कर रहा हूँ, मैंने किया भी हुआ है, तो ये आ गया हमारा डार्सल DRG, डार्सल ग्रुप, जो इंस्पायरेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, DI मैंने बोला था ना, तो ये याद रख लेना। देन उसके बाद अब रिदमिसिटी किस तरीके से डिस्चार्ज होती है, कंट्रोल कैसे होती है, ये जो न्यूरॉन होते हैं किस तरीके से करते हैं, तो ये क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, एक रिदम को मेंटेन करके रहते हैं, मतलब जो रिस्पायरेटरी सिस्टम की है। अब इसका काज क्या है, रिदम को किस तरीके से ये मेंटेन करते हैं, तो ये क्या है, अभी जाना गया नहीं है, मतलब अननोन है, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते कि क्या क्या फैक्टर हैं, कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है इसकी, इस रिदम को मेंटेन रखने के लिए, तो वो अभी तक हम नहीं जानते। तो मोस्टली जो प्रिमिटिव एनिमल हैं उनमें क्या होता है कि न्यूरल नेटवर्क फोंड होता है, और यही क्या करता है कि रिदमिसिटरी को मतलब रिदम को क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। तो यही क्या होंगे, जैसे मतलब सेल्फ एक्साइटेड होंगे, इनवॉलेंट्री है ना, तो इनवॉलेंट्री मीन्स मतलब खुद ही इंस्पायरेशन करेंगे, खुद ही एक्सपायरेशन करवाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये जो मतलब DRG हैं, डार्सल न्यूरल ग्रुप जो हैं, ये क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, डार्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप। देन उसके बाद दूसरा, अब जैसे ही क्या होगी कि इंस्पायरेशन होगी, तो इट मीन्स तो कुछ ना कुछ क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। देन उसके बाद क्या होगी, एक्सपायरेशन होगी। देन उसके बाद अब ये जो मैकेनिज्म है ये रिपीट होता रहेगा, अल्टरनेट रिपीट होता रहेगा, और यही जो मैकेनिज्म है ये मतलब ह्यूमन में भी पाया जाता है और अदर एनिमल्स में भी पाया जाता है। देन उसके बाद इंस्पायरेटरी रैंप सिग्नल। अब रैंप क्या हुआ, तो रैंप हो गया, एक मिनट, रैंप हो गया मतलब चढ़ाई, इंक्लिनेशन। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, डार्सल नर्व से जो डार्सल न्यूरॉन है, ये क्या करते हैं, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं, कहाँ करते हैं, रिस्पायरेटरी मसल में, और ये जो क्या करते हैं कि एक एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करते हैं कि आपको क्या करना है, कंट्रैक्शन करनी है, जिससे क्या होगी, ये इंस्पायरेशन होगी। तो ये आप देख सकते हो कि ये क्या होता रहता है, कि आगे मैं डायग्राम में बताऊँगा कि रैंप किस तरीके से, ऐसे ऐसे, एक होती है 2 सेकंड की, एक होती है 3 सेकंड की, तो वह मैं बता दूंगा। तो इस तरीके से ये क्या होती है कि रिस्पायरेशन होती है, और उसके बाद अनदर साइकिल स्टार्ट हो जाती है, एक साइकिल के बाद दूसरी साइकिल स्टार्ट हो जाती है, और यही जो साइकिल होती है ये अगेन अगेन रिपीट होती रहती हैं। देन उसके बाद अब ये आ गया, तो ये आप देख सकते हो कि ये हो गया ये हो गया इंस्पायरेशन, और ये हो गया एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। तो इस तरीके से ये जो मतलब रैंप होता है ये इस तरीके से क्या करता है कि इसकी रिदमिसिटी मेंटेन रखती है। तो इस तरीके से जो एयर होगी वो लंग्स में क्या करेगी, फिल होगी, देन उसके बाद रिमूव होगी। देन उसके बाद अब एडवांटेजेस क्या हैं इसके, एक्सक्यूज़ मी, देन उसके बाद एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं इसके रैंपेज के। अब एडवांटेजेस ये हैं कि ये इंक्रीज़ करके रखती है वॉल्यूम को ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। अब जो टाइडल वॉल्यूम हुआ, टाइडल वॉल्यूम मैंने बताया था ना 50 ml होता है, तो
तो उसको क्या करके रखती है, ये एक स्टेडी, मतलब क्या करती है, आहिस्ता आहिस्ता, मान लो अगर हमारे पास 175 mm में, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगी, स्टेडी इंक्रीज करेगी ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, हवा अंदर जाएगी, तो इट मीन्स जो टाइडल वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देन उसके बाद प्रिवेंट करती है रिस्पायरेटरी ग्रैप्स को, मतलब जो अच्छे, मतलब अच्छे से जो रिस्पायरेशन होगी, टाइडल वॉल्यूम जो कंप्लीट होगा, तो उसको ये क्या करेगी, अच्छे से करेगी। देन उसके बाद, एक मिनट, इस तरीके से ये होगी रिस्पायरेटरी साइकिल जो डार्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप में है। तो सेंसरी न्यूरॉन उसको क्या करेंगे, सेंस कर लेंगे मेनली जो कहाँ पे होते हैं, डायफ्राम में होते हैं, कंट्रैक्ट होगी मसल। देन उसके बाद स्विचिंग ऑफ होगी रैमपेज की, तो इलास्टिसिटी क्या होगी, तो इस तरीके से क्या होगी, एक्सपायरेशन होगी। देन उसके बाद वेंट्रल ग्रुप, वेंट्रल ग्रुप में क्या है कि ये लोकेटेड होते हैं ईच साइड ऑफ मेड्यूला, हर एक साइड में मेड्यूला के पाए जाते हैं। तो ये कितने होते हैं कि मतलब अगर ये है मतलब डार्सल ग्रुप, और ये क्या है वेंट्रल ग्रुप, तो इनके दरमियान जो मतलब एरिया रहता है वो कितना रहता है, 5 mm का रहता है। तो इसीलिए तभी मैंने आपको बताया कि ये आ गया पोस्टीरियर, ये आ गया एंटीरियर, तो ये क्या होते हैं, एंटीरियर वाली साइड प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद अब ये कंसिस्ट करते हैं 4 मेन न्यूक्लियाई। अब वो कौन कौन से हैं, पोटिंगर कम्प्लेक्स, देन उसके बाद प्री पोटिंगर कम्प्लेक्स जो रिस्पायरेशन को क्या करता है, पेस को क्या करता है, सेट करता है। उसके बाद न्यूक्लियस एल्बिकस, ये क्या करता है कि रिस्पायरेटरी न्यूरॉन को, इसके पास भी रिस्पायरेटरी न्यूरॉन होते हैं। देन उसके बाद न्यूक्लियस रेट्रो एल्बिकस, और ये भी क्या करता है कि इंस्पायरेशन न्यूरॉन होते हैं इसके बाद, और एक्सपायरेशन न्यूरॉन होते हैं। देन उसके बाद अब ये देख सकते हो कि वेंट्रल जो मतलब ग्रुप होगा वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये आप देख सकते हो, ये वाला हो गया डार्सल और ये वाला हो गया वेंट्रल, मतलब वेंट्रल ग्रुप। तो ये इधर डी जी लिखा हुआ, आप इधर वी आर जी कर सकते हो, ठीक है, ये इधर गलती से लिखा हुआ है ऊपर। फंक्शन देखते हैं इसका, फंक्शन क्या करता है, फंक्शन इसका ये होता है कि ये मोस्टली क्या होता है कि जब नॉर्मल ब्रीथिंग होती है, तो उस समय ये क्या रहता है कि इनएक्टिवेट रहता है। तो ये भी क्या करवाता है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों को क्या करता है, कंट्रोल करता है, लेकिन तब करेगा जब फोर्सफुली हम क्या करेंगे, रिस्पायरेशन करेंगे या ड्यूरिंग एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज में मतलब क्या होता है कि एक्सरसाइज के अलावा भी, या कोई इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होगी, वह क्या होगी कि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होगी कुछ न्यूरॉन की, तो वो क्या कराएंगे, इंस्पायरेशन कराएंगे, और सिमिलरली कुछ न्यूरॉन की क्या होगी कि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होगी, तो वो क्या कराएंगे, एक्सपायरेशन कराएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कंट्रीब्यूट करता है बोथ इंस्पायरेशन में भी और एक्सपायरेशन में भी। देन उसके बाद एपोनिस्टिक सेंटर, एपोनिस्टिक सेंटर लोकेटेड होता है, ये आप देख सकते हो लोअर पॉन्स में, ये जो मैंने बताया हुआ रेड कलर का, ठीक, स्टिमुलेट करता है किसको, डार्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप को इंक्रीज़ करता है। अब ये स्टिमुलेट हुए तो अल्टीमेटली इंस्पायरेशन होगी, तो ये फीडबैक भी देता है किसको, मतलब फीडबैक भी लेता है किससे, वैगस नर्व से और ग्लासोफ्रेंजियल नर्व से लेता है, कि मतलब ये देखता है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का वो कितना है, पार्शियल प्रेशर जो कार्बन डाइऑक्साइड का हो कितना है, तो उस हिसाब से ये क्या करता है, ये जो सेंटर है ये कंट्रोल करता है उसको, रिस्पायरेशन को। देन उसके बाद न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहाँ पे होता है कि ये लिवर साइड पे प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पैराब्रेंकियल न्यूक्लियस बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है। ट्रांसमिट करता है सिग्नल किसकी तरफ, रिस्पायरेटरी एरिया की तरफ, और कंट्रोल करता है, स्विच ऑफ कर देता है कि इंस्पायरेटरी, ये जो इंस्पायरेटर ऊपर जा रहे थे, तो देन उसके बाद क्या होगी, इंस्पायरेशन को क्या करता है, एक्सपायरेशन को क्या करता है, प्रमोट करता है। तो इट मीन्स ये क्या करता है कि मतलब एक्सपायरेशन करवाता है, ये भी क्या हो गया, ट्रांजिशन हम कह सकते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट है बिटवीन एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन। देन उसके बाद अब ये जो स्ट्रॉन्ग मतलब क्या है कि मतलब स्ट्रॉन्ग, जब भी न्यूमोटैक्सिक सेंटर सिग्नल होगा तो उस समय क्या होगी, इंस्पायरेशन होगी, और जब वीक होगा तो उस समय क्या होगी, इंस्पायरेशन होगी। ये जब स्ट्रांग होगा किसका, न्यूमोटैक्सिक सेंटर का सिग्नल जब स्ट्रांग होता होगा, तो उस समय क्या होगी कि इंस्पायरेशन होगी, मतलब सिग्नल डिक्रीज होगा तो इंस्पायरेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, मतलब क्या होगी कि कितनी होगी, 0.5
इतनी होगी ड्यूरेशन, मतलब इंस्पायरेशन की इंक्रीज़ होगी, 0.5 इंक्रीज़ होगी। और जब वीक सिग्नल होगा तो उस समय क्या होगी कि इंक्रीज़ मतलब इंक्रीज़ जो होगी ड्यूरेशन किसकी, इंस्पायरेशन की। तो अगर ये 5 पॉइंट है तो ये कितने पे चलेगा, 1 सेकंड पे चला जाएगा। तो एक क्या करता है कि जब वीक होगा तो ड्यूरेशन को इंक्रीज़ करेगा, किसकी ड्यूरेशन को इंक्रीज़ करेगा, इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन को इंक्रीज़ करेगा। और जब स्ट्रांग होगा तो स्ट्रांग में क्या करेगा, ये डिक्रीज़ करेगा इंस्पायरेशन की ड्यूरेशन को क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। देन उसके बाद और भी हैं, मतलब स्ट्रांग स्ट्रांग पीसीए न्यूक्लियस तो क्या करेगा, इंस्पायरेशन डिक्रीज़ होगी, लेस मतलब हवा जो होगी वो कम बर्ने होगी। देन उसके बाद डिक्रीज़ होगी एक्सपायरेशन, और फ्रिक्वेंटली क्या होगी कि रिस्पायरेशन क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। अब जो मतलब फ्रिक्वेंट मतलब क्या होगी कि बार बार फ्रिक्वेंसी जो मतलब अगर हम क्या कर रहे हैं कि इंस्पायरेशन को डिक्रीज़ कर रहे हैं तो इट मींस एक्सपायरेशन क्या होगी कि इंक्रीज़ होगी। तो इट मींस हम कह सकते हैं कि फ्रिक्वेंटली ये बार बार क्या करता है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम को, रिस्पायरेशन को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। देन उसके बाद वीक में क्या होगा, वीक में यही वीक सिग्नल वहीं से निकलेगा, वीक न्यूमोटैक्सिक सेंटर से, ड्यूरेशन को इंक्रीज़ करेगा, लंग्स ज़्यादा फील होंगे तो इंक्रीज़ क्या करेगा, एक्सपायरेशन इंक्रीज़ करेगा, आल्सो इंक्रीज़ द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपायरेशन एंड डिक्रीज़ करेगा रिस्पायरेटरी को। अगर वीक होगा तो रिस्पायरेशन को क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। अगर स्ट्रांग होगा तो क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, फ्रिक्वेंट इंक्रीज़ करेगा। देन उसके बाद अब ये जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, रिस्पायरेटरी कंट्रोल है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसको मॉडल कंसेप्ट में हम क्या बोलते हैं, बल्बो प्रोटीन रिस्पायरेटरी न्यूरॉनल कम्प्लेक्स बोलेंगे इसको हम। तो इसमें भी क्या होता है कि रैंपेज जनरेटर होते हैं, जैसे वो मैंने आपको बताया कि ये हो गया 2 सेकंड का, ये हो गया 3 सेकंड का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीपोटेंजर कम्प्लेक्स बोलेंगे। देन उसके बाद फीडबैक, अब फीडबैक कहाँ कहाँ से ये लेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक कौन कौन लेके जाएगा, क्या क्या रिसेप्टर होते हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। 1 मिनट इधर मुझे देखने दो, शायद ये जो लेक्चर हो गया ये ज़्यादा हो गया, तो कल हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। देन उसके बाद ये जो हमारा टॉपिक है ये हो जाएगा कंप्लीट, ये हो जाएगा कंप्लीट। तब तक आप इसको देखिए अच्छे से, अगर कहीं से समझ ना आए तो मेरे से पूछ सकते हो आप।